दोस्तों आपने उत्तपम तो खाए होंगे, पर ये उत्तपम का थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का तरीका कहिए कि ये अपसाइड डाउन उत्तपम है। तो जैसे उत्तपम बना के आप ऊपर से सब्जियों की टॉपिंग करते हैं, पर इसमें नीचे सब्जियाँ होंगी और ऊपर से आपका उत्तपम का बैटर होगा। तो इसके लिए मैंने सूजी ले लिया है, ये नॉर्मल वही सूजी है जिसे हलवा हलवे बनते हैं। तो और उसमें थोड़ी सी दही डाली, मान लीजिए आप 2 कप सूजी लिए हैं तो 1 कप दही डालिए और नमक डाल के घोल लिया। तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, पानी के साथ थोड़ा सा इसका घोल तैयार कर लेते हैं और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है क्योंकि सूजी थोड़ी फूलती है। तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा और पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं साइड में और इधर तेल में थोड़ा सा राई करी पत्ता डाल के भून लेते हैं हम। हल्का सा इसको भून लेते हैं, राई चिटक जाए। तो हरी मिर्ची थोड़ी सी, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ महीन, इसे भी भून लेते हैं थोड़ा सा। और चुटकी भर ये हींग डालते रहें, आपको पसंद हो तो हींग ज़रूर डालिएगा। और ये महीन कटे हुए गाजर और चुकंदर थोड़े से डाल के थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें ये टमाटर महीन कटे हुए डाल दिए। तो आप शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी आपको सब्जियाँ पसंद हो आप डाल सकते हैं। और हल्का सा नमक डाल दिया, ध्यान रहे नमक मैंने सूजी में भी डाली है। तो और ये मेरे पास थोड़ी सी भाजी मसाला था वो डालना मैंने, आपको अगर स्किप करना हो तो स्किप कर दें, गरम मसाला डालना हो तो वो डाल दें। तो और ये इधर सूजी जो है फूल के थोड़ी ड्राई हो गई है तो मैंने इसे थोड़े से पानी के साथ और इसका घोल तैयार कर लिया। और ये थोड़ा सा ये मीठा सोडा जो होता है बेकिंग सोडा वो डाला मैंने। ये देखिए घोल कुछ इस तरह का था। और इधर क्या करनी है, सब्जियाँ थोड़ी क्रंची रखनी है और इसको पूरे तरह से पैन में एकदम बराबर फैला लें सब्जियों को इस तरह से बिल्कुल फैला के, और ऊपर से ये बैटर जो है इसको डाल दें। तो ये पैन मेरा इस तरह का, थोड़ा जिस साइज़ का होगा आपका ये उत्तपम उतना ही बड़ा बनेगा। और मेरे पैन की जो साइज़ है उसमें 2 से 3 लोगों के लिए ये उत्तपम तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा साइड में तेल डाल के और उसको पैन को थोड़ा सा घुमा के और चारों तरफ फैला लें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से पैन को टेढ़ा करके और तेल को चारों तरफ से फैला लें और 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाता है। वैसे ऊपर से टूथपिक से इस तरह से आप प्रिक करके देख सकते हैं, टूथपिक क्लीन आए तो आपका उत्तपम तैयार है। और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया मैंने डाल दी और ये देखिए बहुत ही स्पॉन्जी बना है हमारा उत्तपम। तो इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से ये मैंने एक करी पत्ते की ड्राई चटनी बनाई है इस तरह से चने की दाल के साथ, तो उसको थोड़ा सा इस पे छिड़क देते हैं। अभी आपने अगर नहीं बनाई है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाट मसाला या जो भी पसंद हो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और इस ड्राई करी पत्ते की चटनी को आप आराम से 15 से 20 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के बाहर। तो उसकी रेसिपी मैं जल्दी ही दूंगी। तो फिर इस उत्तपम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे, बाय।